हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर अकेडमी पर। मैं सुमित ठाकुर। तो दोस्तों, अपने 10th क्लास के सारे चैप्टर फिनिश कर चुके हैं एंड 4th चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा चुके हैं। आपका ये लास्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एंड 4th चैप्टर अगर आपने नहीं देखे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो पहले वो वाली जाके वीडियो देखे, फिर ये 5th चैप्टर पढ़े। तो जब लाइन से पढ़ते हुए आओगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने 5th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्मार्ट एनी स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के आगे है कि निम्न में से किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है, मतलब इक्वालिटी क्या होती है, उपलब्ध होती है, कौन सी है इनमें से? क्या राजतंत्र के अंदर ऐसा होता है, क्या तानाशाही के अंदर ऐसा होता है, क्या डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है, क्या अल्पतंत्र या एक तंत्र के अंदर ऐसा होता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, वाक्यों के आगे पीछे टी सत्य अथवा एफ असत्य लिखिए, मतलब इन चीजों में क्या है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, ट्रू फॉल्स की गेम होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो समझते हैं अच्छी तरीके से। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर होता है, मतलब लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अंदर लोक एंड सरकार के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी गलती को सुधार सके। तो एकदम सही है दोस्तों, इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, डेमोक्रेसी के अंदर जो भी सामाजिक टकराव होते हैं, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इनको बढ़ाने में मदद करता है, तो दोस्तों गलत है, ये क्या करता है, इसको कम करता है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन, जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जो भी शासन होता है, ये निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होता है, तो एकदम सही है दोस्तों। राजतंत्र और तानाशाही से तो काफी बेहतर होता है, जहां पे हमारे पास कुछ राइट नहीं होते, ठीक है, वहां पे मतलब यहाँ तो राइट्स होते हैं। सूचना के अधिकार के द्वारा सरकार के कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की सकती है, मतलब हम ये भी जो भी है आपका सूचना का अधिकार है दोस्तों, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके द्वारा हम सरकार के काम को भी जान सकते हैं, वो क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है, सही है, एकदम ट्रू है। हम सरकार के बारे में अधिक जानते हैं जबकि सरकार हमारे बारे में कम जानती है, तो फॉल्स है दोस्तों, सरकार ही हमारे बारे में ज्यादा जानती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और हम भी कम नहीं जानते, हम भी सब कुछ जानते हैं सरकार के बारे में। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, डेमोक्रेटिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जो भी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जनता के प्रति ये क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, किन्हीं दो गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताएं, कोई गैर नॉन डेमोक्रेटिक देश कौन कौन से, तो आपका एक म्यांमार हो जाएगा, एक नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, ठीक है, दोनों तानाशाही वाले देश हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक देश नहीं है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें सभी निर्णय एक सही प्रक्रिया द्वारा लिया जाता है, दोस्तों ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें सभी निर्णय एक प्रक्रिया एक प्रोसेस के द्वारा लिया जाता है, तो ये लोकतंत्र हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, देखो इजी इजी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इजीली आ रहे होंगे। छठा क्वेश्चन, आज विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी ना किसी रूप में विद्यमान है, ठीक है, मतलब है, तो लगभग कितने देशों में, आपके मच्छर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो कितने देशों में, 100, लगभग 100 देशों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां बन जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ये कथन किसने कहा, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अब्राहम लिंकन द्वारा ये कथन कहा गया था, किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र की दो कमियां बताए, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए करप्शन बहुत ज्यादा है और धीमा आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम है, आप देख सकते हो अमेरिका बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है, चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है, बल्कि पूरी तरीके से चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, बट इंडिया देखो किस तरीके से धीमा डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हो रहा है, कहां, इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पक्ष में गैर लोकतांत्रिक सरकार बेहतर कर रही है, मतलब किस पक्ष में जो भी आपकी नॉन डेमोक्रेटिक सरकार है वो बेहतर कर रही है, तो सिर्फ आर्थिक विकास में, बहुत सारे ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है जो इक्वली डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कर रही है, आप जाके गूगल पे सर्च करना, देखो आपको पता लग जाएगा, बहुत से ऐसे कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी तो नहीं है, आर्थिक विकास खतरनाक कर रही है, तो दोस्तों ऐसे आर्थिक विकास का क्या करेंगे, हमारे पास तो वहां पे राइट्स ही नहीं होंगे, तो बेहतर तो डेमोक्रेसी है, वहां पे राइट, यहां पे राइट्स है, राइट्स प्रोवाइड किए गए, पैसा ले लो, राइट्स है नहीं, क्या करोगे, उस पैसे है क्या जहां पे राइट्स ही ना हो, ठीक है ना, तो राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा कम इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, पैसा तो आ जाएगा धीरे धीरे, कुछ तो विकास हो रहा है। लोकतंत्र का आधार क्या है, और ये जब बेस्ट बन जाएगा, जब डेमोक्रेसी वाले देश क्या करने लगेंगे दोस्तों, ये क्या हो गया, कोई नहीं, बोर्ड में दिक्कत आ जाती है कभी कभार दोस्तों, चलो कोई नहीं, ऐसे पढ़ लेते, समझ तो आपको आ रहा होगा, ठीक है। लोकतंत्र का आधार क्या है दोस्तों, नागरिकों का सम्मान तथा स्वतंत्रता के लिए जुनून की लोकतंत्र का आधार है, ठीक है, नागरिकों का सम्मान, पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना एंड सभी नागरिकों को एक फ्रीडम प्रोवाइड कराना, तो यही क्या है दोस्तों, एक लोकतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किन कारकों, किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये बोल रहा है कि किसी कंट्री का जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो दोस्तों किस पर डिपेंड कर रहा होता है, सरकार की नीतियों पर, एक तो सरकार की जो पॉलिसीज होती है, रिसोर्सेस क्या है देश के
पास, प्लस में जनसंख्या की पॉपुलेशन क्या है मतलब, ठीक है ना। तो इंडिया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इस कारण इंडिया आर्थिक विकास में क्या कर रहा है दोस्तों, थोड़ा पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, थोड़ा मजा नहीं आ रहा दोस्तों, उसको हटाओ यार। कोई नहीं, होम पेज पे चलते हैं, पहले इसको हटाते हैं फिर चर्चा करेंगे आराम से। हाँ दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, अजीब से लग रहा था। ठीक है, हाँ अभी क्या पढ़ा हमने, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है, मतलब ऐसी क्या चीज है जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती है। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी, जो इंडिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी ना सरकार और लोगों के बीच, वो वहां पे नहीं होती है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं लग पाता क्या करने वाली है सरकार, क्या नहीं करने वाली, राइट्स होते नहीं है, ठीक है ना, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की दो कमियां बताए, ऐसी क्या कमियां है लोकतंत्र की, दो कमियों की चर्चा बोल रहा है, एक तो करप्शन बहुत ज्यादा है और आर्थिक विकास बहुत ज्यादा कम है दोस्तों, ठीक है ना, धीमा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है। देखो बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि शिकायतें जो है किस प्रकार लोकतंत्र को सफल, ऐसी क्या शिकायतें जो लोकतंत्र को क्या बना रही है दोस्तों, सफल बना रही है, ठीक है ना। क्या है, तो बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार नहीं मिल रहे थे, ठीक है, न्याय स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, मतलब उन्हें दूर रखा गया था, वंचित मतलब, ठीक है, स्त्रियों को समान समान राइट्स, जो भी राइट्स हैं आपका, जस्टिस है, फ्रीडम है, इससे दूर रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी अधिकारों को सुनिश्चित कर दिए। ठीक है, आप देख रहे हो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी, अब वो रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है ना, वुमेन्स को वो फ्रीडम मिल रही है, जो लोगों, जो किसके पास है, आपके मेल के पास, वो जस्टिस मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, समाज ने, समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, समाज के जो भी कमजोर वर्ग होते हैं, एस सी एस टी जो भी लो क्लास होती है, ठीक है ना, इन सबको भी क्या मिल रहे हैं, विशेष प्रावधान यानी स्पेशल राइट मिल रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर का स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन, समझना आप, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए हम, कि जो भी डेमोक्रेटिक, मच्छर मारने पड़ते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा, ठीक है ना, समझो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर, वैसे तो मारना नहीं चाहिए था, मारा भी मैंने, ठीक है ना, कहीं आप सोचो मारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है, मतलब जो भी आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है इससे बेहतर आपका, इसको क्यों बेहतर माना जाता है किससे, डिक्टेटरशिप से। तो सबसे बड़ा कारण, लोकतंत्र के अंदर यानी डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं होती, ठीक है ना, और आराम से वोटिंग वगैरह होती है। लोकतंत्र में नीति यानी पॉलिसी वगैरह, निर्णय वगैरह खुली बहस होती है, अगर कोई भी गलत पॉलिसी आती है तो जनता भी आवाज उठाती है, विपक्षी पार्टियां आवाज उठाती है, अगर कोई गलत निर्णय होने वाला होता है तो फिर हम मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी बेस्ट है, ये हम डिक्टेटरशिप में नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में बेस्ट सरकार होती है, लीगल सरकार होती है, ठीक है ना, इलीगल किसी प्रकार की सरकार नहीं होती। लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है किससे, डिक्टेटरशिप से, अगर हम तुलना करें, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा 16, ठीक है, समझना, अभी यही पढ़ा ना हमने, हाँ ठीक है, 16 क्वेश्चन समझना दोस्तों, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है, मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल होते हैं उनकी क्या गरिमा, ठीक है ना, बनी रहती है। तो समझना, लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी जो है ना, वो जो लोग होते हैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी स्वतंत्रता, मतलब एक होता है ना लोकतंत्र, सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है, सम्मान करता है लोगों का, ठीक है ना, उनको पूरी तरीके से फ्रीडम देता है, ये शो कर रहा है कि हम गरिमा को बढ़ावा देते हैं नागरिकों की। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, मतलब कोई नागरिक है नहीं ऊंचा नीचा, सब क्या है सरकार की नजर में इक्वल, संविधान की नजर में सब क्या है बराबर, ठीक है। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा प्रदान किया है, अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी के अंदर धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, आप इंडिया को एग्जाम्पल बना सकते हो, धीरे धीरे दर्जा प्राप्त हो रहा है पुरुष के बराबर, किनको, वुमेन्स को। देखो अब आप बोलोगे दर्जा प्राप्त लोग नहीं होने दे रहे हैं, संविधान में सब बराबर है, ठीक है, लोकतंत्र के अंदर सब बराबर है, लोग दर्जा प्राप्त नहीं होते हैं, संविधान ने बोल दिया लड़कियां बराबर है, संविधान ने बोल दिया इंडियन इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है, बट नेता नहीं बनने दे रहे हैं सेकुलर कंट्री, लोग नहीं बनने दे रहे, संविधान बोल चुका है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, डेमोक्रेसी बोल चुकी है बात को। चौथा क्वेश्चन, वही बात है ना, रूल बनना और इंप्लीमेंट होना दोनों में डिफरेंस है। लोकतंत्र में जाति आधारित असमानता और क्रूरता, जो भी बुरी बुरी कुरीतियां हैं, जो भी इनइक्वालिटी है, इनको कोई नैतिक या कानूनी आधार नहीं है, ठीक है ना। तो पांचवा पॉइंट आपको समझ आया होगा, एंड अब आ जाओ अपने 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन ये है,
कि जो भी डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है इनकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या कमी है। अगर दोनों में हम तुलना करें, आपका डिक्टेटरशिप पहले लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप में तुलना करी थी, अच्छा गया लोकतंत्र में, अब ये कमियां पूछ रहा है, पहले अच्छा ही पूछ रहा था, दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है, मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा लेट हो जाता है। तानाशाही में जल्दी डिसीजन होता है, क्योंकि एक ही बंदा होता है, उसको डिसीजन तुरंत ले लेता है, ठीक है ना, बोलता है उड़ाना है अमेरिका उड़ा दो, उड़ाना है पाकिस्तान उड़ा दो, वो तुरंत डिसीजन लेता है, ठीक है ना। तानाशाही में फॉर्मेलिटी नहीं होती, क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती, ठीक है ना, वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा खर्चीली होती है, ज्यादा पैसा खर्च होता है इलेक्शन के अंदर, ठीक है, बट वहां ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? हर 5 साल बाद क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, मतलब तानाशाही के अंदर जो भी डिक्टेटरशिप मेन होता है, जो मेन बंदा होता है, वो तो करप्शन कर सकता है, बट इंडिया के अंदर हर लेवल पे करप्शन होता है, लोकल गवर्नमेंट में, उससे ऊपर। तानाशाही में इसलिए नहीं होता क्योंकि मेन बंदा है, मार ही देगा जान से, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया में वो किम जोन है, वो उखाड़ ही देगा, फेंक ही देगा, हल्का फुल्का करप्शन हुआ नीचे, ठीक है ना। तो उच्च लेवल पे, टॉप लेवल पे करप्शन हो जाता है, बट नीचे नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जब कोई परिणाम बताए जिनमें लोकतंत्र में असफल रहा है, मतलब ऐसे चार कोई ये रिजल्ट पूछ रहा है जिसमें लोकतंत्र क्या है दोस्तों, असफल रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी पीछे रही है, और बाकी जो विचारधारा है डिक्टेटरशिप राजतंत्र, वो आगे रहा है इस चीज में, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ा, निर्धनता, मतलब पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी के मामले में देखो इंडिया कितना पीछे है। तो इन सब चीजों में सफल नहीं हो पाया डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक असमानता, ठीक है ना। देखो इकोनॉमिकल और सोशल तरीके कैसे इनइक्वालिटी बनी हुई है समाज के अंदर, और आर्थिक लेवल पे भी देखे, अमीर गरीब, और आपकी इन बेरोजगारी वगैरह, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार, करप्शन वगैरह हो गया। तो ये 5 पॉइंट दर्शा रहा है ये चीजों को खत्म करने में जो डेमोक्रेसी रही है ना, वो सफल नहीं हो पाई है दोस्तों, ठीक है ना। इन चीजों में असफल रही है, बाकी कई चीजों में सफल रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 19वां, डेमोक्रेटिक सरकार मतलब लोकतांत्रिक सरकार वैधानिक, यानी वैधानिक यानी क्या होता है, लीगल, ठीक है, तथा जिम्मेदार सरकार है। हम कैसे बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो क्या है भाई? जिम्मेदार और वैधानिक है, ठीक है। तो अब समझना वैध सरकार कैसे है, फिर हम समझेंगे उत्तरदायी सरकार कैसे है। वैध सरकार समझना, ये वैध शासन व्यवस्था है, मतलब यहाँ पे लीगल शासन होता है। ये सुस्त हो सकती है, मतलब काम करने में ढीली हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, करप्शन हो सकता है, लेकिन ये लोगों की जरूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती, लोगों की जो नीड है उसको पूरा करने में पूरा क्या रहती है, एक्टिव रहती है। ये थोपी हुई सरकार नहीं है, क्योंकि इसको थोपा नहीं गया, तानाशाही को थोपा गया, राजतंत्र को थोपा गया, इसको थोपा नहीं गया, इसे लोगों ने खुद चुना है, ठीक है ना। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सरकार विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है दोस्तों, ठीक है ना, समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, उत्तरदायी सरकार, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, जो एक उत्तरदायी सरकार को क्या करती है दोस्तों, संभव बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी है, मतलब लोगों द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने गए लोगों के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं है, मतलब मान लो लोग उसके कामों से बिल्कुल क्या नहीं है भाई, खुश नहीं है, तो लोग अगले आम चुनाव में किसी और नेता को चुन सकते हैं, नेता बदल सकते हैं। हर काम का उत्तर देना होता है जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति क्या होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है, ठीक है, समझ आ गया होगा, और जनता का पूरा ख्याल रखती है, ठीक है ना, बहुत प्यार करती है, लव यू। ऐसा कौन बोल रहा है भाई, आपकी सरकार बोल लिया आपको, ठीक है ना, आप भी बोलते लव यू टू, लिख दो कमेंट में। चलो क्वेश्चन नंबर 20 समझो, लोकतांत्रिक सरकार सामाजिक विभिन्नताओं के बीच सामंजस्य बिठाती है, मतलब जो भी आपका सामाजिक विभिन्नता, मतलब ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, विभिन्नता मतलब समझ गए ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अब क्या होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, सामाजिक विभिन्नता, जो भी समाज के अंदर जो भी क्या फैली हुई है, विभिन्नता फैली हुई है, ठीक है ना, विभिन्नताओं के बीच में सामंजस्य यानी बैलेंस को बिठाती है, ये हम कैसे बोल सकते हैं? तो आंसर समझना, सबसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि हर देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है। आपको पता है हर देश जो है काफी सारी विविधता, काफी सारी डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव हो जाता है। काफी सारी वैरायटी है इंडिया के अंदर, तो टकराव तो होगा ही दोस्तों, ठीक है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है इंडिया के अंदर, देखो कितने सारे दंगे बस इसी पे होते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम वैरायटी बोल सकते हैं, भाषा कितने भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, और इसी कारण टकराव होते हैं। लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है, मतलब ऐसे तरीकों का विकास, इन तरीकों को जल्दी सॉल्व करता है, ठीक है ना, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाती है, मतलब एक स्वस्थ, एक हेल्थी कंपटीशन पैदा कर देता है, ठीक है ना, चीजें खत्म कर देता है। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना, मतलब डाइवर्सिटी का सम्मान करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और मतभेदों का समाधान निकालना सीख जाते हैं। देखते नहीं हो चीजें हो जाती है,
बट चीजें बैलेंस हो जाती है, चीजें नॉर्मल हो जाती है। अभी भी देखते हो इंडिया के अंदर कितनी विविधता, कभी लड़ाई हो जाती है, लेकिन चीजें देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। मतभेद होते हैं पर चीज सॉल्व हो जाती है। इंडिया जल्दी टॉप लेवल पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं पहुंचता है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। और कितने देश देख लो वहां पे, देखो कि विविधता आपस में बनी हुई है, डाइवर्सिटी है, बट चीजें नॉर्मल है, ठीक है ना। ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, चीजें नॉर्मल रहती है। बट एक्सेप्शन बोले तो श्रीलंका में हुआ है, एक्सेप्शन को छोड़ दो तो नॉर्मल रहती है चीजें, बट श्रीलंका में ऐसा हुआ है। आपके दिमाग में आ रहा हो तो मैंने भी एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है। अब आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोल क्वेश्चन। देखो ये क्या है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा तथा आजादी को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये आपको पढ़ना है, वीडियो में जाके पढ़ना, मैंने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। फिर आप एक बार इसको पढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको वहां से भी पढ़ना है वीडियो से, और एक बार यहाँ से भी पढ़ लेना, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये हम पढ़ भी चुके हैं अभी थोड़ा ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करके जाना है, और ये बनेगा क्वेश्चन से ही आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के गुण अथवा विशेषताएं लिखिए, मतलब क्या क्या गुण है लोकतांत्रिक आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, उसकी प्रॉपर्टीज बताने की बात करिए। तो सुनना ध्यान से, क्या क्या गुण है लोकतंत्र में, गुण या विशेषताएं। लोकतंत्र में जनता अपने शासक को खुद चुन सकती है, मतलब लोकतंत्र में हमने मोदी को चुना है, जितने भी नेता थे उनको कौन चुना, मोदी को तो उन्होंने चुना है, मतलब जिन्होंने मोदी को चुना उन्हें तो हमने चुना है ना भाई लोकसभा के अंदर, तो हम शासक को खुद चुनते हैं। लोकतंत्र में जनता अपने शासक को बदल सकती है, चेंज कर सकती है, वो अच्छा काम नहीं करेगा तो। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, मतलब लोकतंत्र के अंदर संविधान के अनुसार चीजें चलती है, कोई भी नेता कुछ नहीं कर सकता, सरकार बन के तो सबसे पावरफुल वो नहीं हो गया, ठीक है ना, कानूनी अनुसार चीजें चलती है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, मतलब हर एक व्यक्ति का अगर वोट डालेंगे तो वैल्यू उसकी एक होगी, चाहे वो गरीब डाले चाहे अमीर डाले, यानी अमीर डाला तो 50 नंबर मिल रहा है उसको, गरीब डाला तो 1 नंबर मिल रहा है। इसकी भी वोट की वैल्यू एक, इसकी भी वोट की वैल्यू एक, ठीक है। हैंडीकैप होगा उसके वोट की वैल्यू एक, वुमेन हो मेल हो सबके वोट की वैल्यू क्या होगी एक। लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र क्या करता है, नागरिकों के बीच इक्वालिटी लाता है, ठीक है, जो भी पीपल्स होते हैं इनके बीच क्या पैदा करता है भाई, इक्वालिटी पैदा करता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, ठीक है ना, एक रिस्पेक्टफुली जिंदगी जीने को देता है, कौन, डेमोक्रेसी है हर एक व्यक्ति को। उसके बाद आपके ये पॉइंट उसी से मिलते जुलते हैं, ठीक है। लोकतंत्र बेहतर फैसले लिए जाते हैं, देखो 2 क्वेश्चन बन सकता है, नेगेटिव भी पूछ लेगा पॉजिटिव भी पूछ लेगा, तो नेगेटिव पॉइंट आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, 5 नेगेटिव पॉइंट लिख के बताओ डेमोक्रेटिक सरकार के। तो ऊपर हमने तानाशाही में 5 नेगेटिव पॉइंट पढ़े थे, वो जल्दी से लिख के बताओ, ठीक है। लोकतंत्र बेहतर फैसले लिए जाते हैं, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, फैसले डिसीजन लेट होते हैं मैं मानता हूं, बट क्वालिटी के साथ होते हैं डिसीजन। लोकतंत्र करातो टालने का तरीका प्रदान करता है, मतलब जो भी करातो वगैरह होते हैं इनको टालने का क्या करता है, एक तरीका देता है, ठीक है ना। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, मतलब लोकतंत्र के अंदर हम मिस्टेक को क्या करते हैं भाई, कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आप बाद में क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, दोबारा पावर में आ सकते हो। उसके बाद लोकतंत्र की बुनियादी संविधान होता है, मतलब लोकतंत्र का बेसिक कौन होता है, बेसिक नीड जो बोल सकते हैं हम उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हैं, जिसमें सरकार के निर्माण और कार्यों का वर्णन होता है। संविधान में लिख दिया जाता है कौन सरकार क्या है, क्या उसका, कैसे सरकार का निर्माण होगा, क्या क्या उसके काम होते हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, सारी चीजें संविधान में लिख गई है। तो बेसिक चीज क्या है, संविधान है, ठीक है ना, लोकतंत्र का। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है, मतलब लोकतंत्र के अंदर क्या होती है दोस्तों, आपको पता है न्यायपालिका होती है जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है, और हमारे राइट की क्या रखती है, वो एक रक्षा बोल सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा करके रखती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि आपका लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकार होती है। तो ये इस पॉइंट के साथ एक लास्ट पॉइंट और है, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है, लीगल सरकार। इस पॉइंट के साथ अपना जो पूरा चैप्टर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं इसके, पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, एंड बहुत मजा आया टेंथ वालों आपके साथ पढ़ के, ठीक है। एंड हमने सारे चैप्टर फिनिश कर लिए, सभी चैप्टरों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिनिश कर लिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा लव यू, जब एग्जाम होगा अच्छे से देके आना, ठीक है ना। एंड मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, जब आप 11th में जो आर्ट्स के बच्चे आ जाओगे, तो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे आर्ट्स एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, चलो टाटा बाय बाय।